नमस्कार दोस्तों घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और हर बार हम आपको उत्तराखंड के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या कुछ है हमने देहरादून के तमाम इलाके आपको दिखाए धीरे धीरे हमने पहाड़ों की तरफ भी रुख किया और घुमक्कड़ पहाड़ी ने कई ऐसे आपको जगहें दिखाई हैं जो आपके इतिहास से जुड़ी हुई हैं जो आपकी पौराणिकता से जुड़ी हुई हैं तो आज हम कर्ण मंदिर में हैं हमने आपको उमा देवी का मंदिर दिखाया लेकिन अगर हम आपको कर्ण का अगर कहा जाए मंदिर ना दिखाएं, तो शायद कर्ण प्रयाग आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कर्ण प्रयाग का नाम कर्ण के नाम से ही जाना जाता है तो ये आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा ये मंदिर है कर्ण प्रयाग का और इस ये जो है ये कर्ण का मंदिर कहा जाता है तो अंदर की तरफ को हम चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में क्या कुछ है क्यों इस मंदिर की महत्ता है इस मंदिर को क्यों माना जाता है क्यों यहाँ पर कृष्ण की भी स्तुति होती है क्यों यहाँ पर कर्ण के बारे में भी बात होती है क्यों यहाँ पर तमाम महाभारत काल को क्या चर्चा की जाती है सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ण प्रयाग का जो नाम है वो इस कर्ण के वजह से पड़ा कर्ण वही हैं जो महाभारत जिनके बारे में महाभारत में आप सुनते हैं कर्ण वही हैं जो कुंती के ज्येष्ठ पुत्रों के में माने जाते हैं हालांकि उन्होंने पांडवों के खिलाफ और जो कौरव हैं उनके पक्ष में यहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साफ़ तौर पर नज़र आती हैं स्थानीय लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राम मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है और कृष्ण और कर्ण का मंदिर भी यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है मेरे साथ पुजारी जी भी हैं और उन उनसे भी आपको बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे आपका नाम क्या है सर मेरा नाम सजान भट्ट भट्ट जी क्या है इस कर्ण मंदिर का इतिहास क्या है और क्यों हम इसके बारे में बताना चाहते हैं क्यों हम इस मंदिर की स्तुति करते हैं क्या इसका पौराणिकता है इसकी पौराणिकता यहाँ पे कर्ण प्याग में संगम है ये दो गंगाओं का संगम यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर गंगा है और ये कर्णस्थली के नाम से श्री कृष्ण और कर्ण नाम से स्थली है यहाँ पे कर्ण जी ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्राश्चित के लिए ये कृष्ण भगवान से ये स्थली मांगी थी जिससे कि करण नाम से इस स्थली को कहा जाता है श्री कृष्ण करण मंदिर कहा जाता है जी यानी उनका अगर कहा जाए तो, तो उन्होंने देह भी यहीं त्याग किया था देह तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में त्यागी थी अच्छा देह कुरुक्षेत्र में त्याग करके कृष्ण से वचनबद्धता की थी कि मेरे को ऐसा स्थान प्राप्त करना कि जहाँ पे मैं प्राश्चित कर सकूँ और अपने किए हुए दुष्कर्मों का परित्याग कर सकूँ तो ये संगम यहाँ पे किए हुए दुष्कर्मों का परित्याग इस गंगा में नहाने से होता है और यहाँ पे तपस्या करने से स्वर्गी की प्राप्ति हो जाती है तो पूरे देश भर में कर्ण का क्या केवल यही एक मंदिर है कर्ण मंदिर ये श्री कृष्ण जी का है यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ में कर्ण जी को जोड़ दिया गया है कि आपके नाम से भी मेरे नाम के साथ में आपका नाम भी जुड़ जाएगा तो श्री कृष्ण कर्ण मंदिर यहाँ पे कहा गया है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर अच्छा हम कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग की अपनी एक महत्ता है क्योंकि ये संगम है और प्रयागों में से एक प्रयाग है।, है क्या आप आप किस तरह देखते हैं किस तरीके से इसकी पौराणिकता है इसकी पौराणिकता के यहाँ पे माँ उमा देवी का मंदिर भी है जो पौराणिक है जी यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर भी है और स्थान है श्री पंचदश नाम जूना ना अखाड़े से स्थान भी है और यहाँ पे शंकर भगवान का विख्यात मंदिर है माँ उमा देवी का मंदिर है और ये भी श्री कृष्ण करण मंदिर देवतोली के नाम से जाना जाता है पल्ली पार में देवतोली है यहाँ पे सारे देवताओं का स्थान है और ये श्री कृष्ण जी का स्थान यहाँ पे कर्ण जी को भी अपने साथ में ले लिया तो और संगम से ये करण प्रयाग जाना जाता है तो जैसा कि भट्ट जी ने आपको बताया ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और उन्होंने बहुत चीज़ें बहुत विस्तार से बताई है कि कैसे हम राम मंदिर यहाँ पर राम मंदिर का होना और साथ साथ कृष्ण और कर्ण का होना ये अपने आप में होना बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण और कर्ण ये कर्ण का की तस्वीर और मूर्ति वहाँ पर साफ़ तौर पर दिखाई देती है हालांकि जैसा जी ने बताया ये जो मंदिर है मूल रूप से कृष्ण का मंदिर है लेकिन जब कर्ण को अपने किए पर पछतावा पछतावा होने लगा क्योंकि उन्होंने धर्म के का साथ ना देते हुए अधर्म का साथ दिया था तो उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे ऐसी जगह पर आप जगह दीजिए जहाँ पर मैं अपने जो तमाम पाप हैं उनका प्रायश्चित कर सकूँ तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें दी गई और कर्ण प्रयाग में उन्हें तपस्या का तब दिया गया कि और वहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने आ, साफ कहा कि जा जाइए आप यहाँ पर तपस्या कीजिए यहाँ पर अपना आ, उन्होंने इनको वचन दिया और काफ़ी हद तक उस वचन का पालन होता होना गया हालांकि जिस तरीके से भट्टजी ने बताया कि उनका देह त्याग जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये पूरा कर्ण प्रयाग का जो क्षेत्र है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बेहद आ, सात्विक फीलिंग यहाँ से आती है अगर कहा जाए तो पूरी तौर पर कर्ण का यहाँ पर होना कृष्ण का यहाँ होना वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताता है और सामने ही आपको उमा देवी का मंदिर वहाँ से दिख जाएगा जो अपने आप में बेहद पौराणिक मंदिर है आ, कर्ण प्रयाग का और क्योंकि कर्ण प्रयाग को खुद पंच प्रयागों में से एक प्रयाग माना जाता है आपने देखा जाता है कि जब कर्ण जी अपने जीवन में थे तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी शंकर भगवान के यहाँ पे अच्छा तपस्या भी की थी और तपस्या करके जब वो इधर आ रहे थे तो यहाँ पे इंद्र ने उनसे कवच मांग लिया था इसी स्थान पे अच्छा जो कवच था उनके पास सुरक्षा कवच उसको इंद्र जी ने मांग लिया था अच्छा और दान में तो यहीं पे उन्होंने वो कवच दान दिया था इसलिए उस कवच को इस यही पर स्थापित कर दिया गया ये कवच मतलब ये सारी श्रृंखला मानो की कवच करण का ही कवच है अच्छा जैसे जी ने बताया कि हाँ ये भी एक किदंती है कि यहीं पर उनका कवच और कुंडल उनसे मांग लिए गए थे क्योंकि आ, अगर उनके अगर वो कवच और कुंडल अगर उनसे ना लिए जाते तो शायद पांडव उनको नहीं हरा सकते। नहीं हरा सकते थे हाँ। और तो ये इंद्र जी इंद्र ने ये मांग लिया था और बाद में जो है कृष्ण भगवान ने के इंद्र से वापिस लेकर के वो वो कवच यहीं पर स्थापित कर दिया तो जैसा भट जी ने बताया कि इस स्थान की भी जो द, जो द, त, रक्षा जो है वो कवच की के द्वारा की जाती है आप यहाँ देख सकते हैं परावल देवता जो क्षेत्रपाल देवता है वो यहाँ पर नज़र आते हैं सामने कर्ण का मंदिर अपने आप में बेहद शानदार नज़र आता है थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे उधर की तरफ दिखाएंगे ये एक बड़ी शिला है बड़े बड़ा बाड़, बड़ा पहाड़ है जिसके ऊपर ये मंदिर बनाया हुआ है पर आप देख सकते हैं ये एक पीपल का पेड़ है पीपल की पेड़ की छाओं में ये एक बेहद शानदार कर्ण का मंदिर बनाया गया है और मुझे नहीं लगता कि कर्ण का इसके अलावा कोई और मंदिर है आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है साथ साथ कर्ण जो एक जो महाभारत में दिखाया गया कि किस तरीके से वो पहियाँ निकाल रहे हैं और उनको आ, उसके बाद जो तमाम तीर लगे उससे वो घायल हो गए और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं ये कर्ण और कृष्ण का कृष्ण और कर्ण का यानी श्री कृष्ण और कर्ण का मंदिर आ, कहा जाता है बेहद पॉजिटिव वाइब्स जो है वो इस जगह पर नज़र आती है और ये श्री कृष्ण का पालना है क्योंकि इस स्थान को श्री कृष्ण का स्थान कहा जाता है तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको कर्ण का मंदिर नहीं श्री कृष्ण का मंदिर कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की भी यहाँ पर उपस्थिति है खुद कर्ण जो थे उन्होंने ये कहा था कि उनको ऐसे स्थान पर रखा जाए और क्योंकि ये संगम हो कर्ण ने जिस तरीके से कहा था कि मुझे एक ऐसे स्थान पर जो संगम हो वहाँ पर रखा जाए तो ये अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है जहाँ पर इस ऐतिहासिक मंदिर का होना बताया जाता है और अपने आप में ये संगम बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरीके की जो बातें हैं चमोली के जो जिले के कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम में कर्णशिला मंदिर है जो महाभारत के पात्र और कुंती के पुत्र कर्ण को समर्पित है कथित तौर पर कर्ण के इसी मंदिर की वजह से कर्णप्रयाग को यह नाम मिला मान्यता है कि आज जहां पर महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण का मंदिर है वो स्थान कभी जल के अंदर था मात्र कर्णशिला नाम नामक एक पत्थर का कोना जल के बाहर था माना जाता है कि इसी कर्णशिला पर भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखते हुए कर्ण का दाह संस्कार किया था यह दूसरी कहावत के अनुसार कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करते थे भगवान सूर्य कर्ण की तपस्या से प्रश्न हुए और उन्हें अभेद कवच कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किए थे वहीं कर्ण का दाह संस्कार यहाँ होने की वजह से इस स्थान पर पितरों के तर्पण देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है कर्ण के अलावा इस मंदिर में भूमिया देवता राम सीता मंदिर भगवान शिव और माँ पार्वती के मंदिर भी हैं जो अपने आप में बेहद शानदार हैं तो आप समझ सकते हैं यह आपको कर्ण प्रयाग का शानदार नज़ारा आपको दिखाई देगा और ये तो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद ख़ास हैं और ये जो है ये कर्ण ही मुझे लगता है वो कर्ण ही है और ये इस स्थान को जैसा मैंने आपको बताया ये पहले पानी में थी और भगवान कृष्ण ने हथेली के ऊपर इसको रखा और यहाँ पर कर्ण का दाह संस्कार किया गया तो आप देख सकते हैं ये सच में एक ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी नदी के तट पर हैं और नदी के तट के पास जो है वहाँ पर ये पूरे पत्थर हैं और बड़ी बड़ी शिलाएँ यहाँ पर रखी हुई नज़र आती हैं तो ये आप देख सकते हैं ये अपने आप में बेहद शानदार और पॉजिटिव वाइब्स वाला मंदिर साफ तौर पर दिखाई देता है और अगर देखा जाए तो अपने आप में बेहद शानदार मंदिरों में से एक ये कर्ण का मंदिर हमने आज आपको दिखाया तो दोस्तों ये कर्ण प्रयाग का वो मंदिर है जिसके जिसके नाम पर कर्ण प्रयाग पड़ा है तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार